हरदोई के कोतवाली कछोना इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां शराब के ठेके पर कुछ लोगों द्वारा शराब के नशे में अलसा, ललकारा, दहशत फैलाई जा रही थी। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो सिपाही कोशनीद व महिपाल मौके पर पहुंचे। इसी बीच पुलिस देखकर कार सवार लोग भाग गए और पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। नशेड़ियों की फायरिंग से एक सिपाही के दो गोलियां लगी हैं, जिसे गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है, जबकि महिपाल बाल बाल बच गया है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस द्वारा पीछा करने वाले नशेड़ियों द्वारा चलाई गई गोली में एसओ बघोली व एक नशेड़ी भी घायल हो गया है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। मामला कछोन कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ रोड का है। वहीं पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही में एक नशेबाज युवक भी गोली से घायल हो गया। ऐसो वह घायल युवक को सीएससी कछोना लाया गया। सूचना पाकर एससी आलोक प्रियदर्शी एएसपी ज्ञानंजय सिंह समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। एसपी ने बताया कि मामले में कार्यवाही की जा रही है। घटनाक्रम ये थे, पेट्रोल पंप पे जो है ये लोग थे और सर पूछ रहे थे कि जो है काहे गुंडागर्दी करते हैं। लोगों का जो है पहले हुआ था वहाँ ठेका पे कुल लड़ाई, सर भी बता रहे थे तो वही पूछ रहे थे। इतने में जो है उसने पिस्टल निकाली, धनाधन गोली चला दी सर के ऊपर। ये घटना पेट्रोल टंकी पर की? हाँ, यही इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप। ठीक है, जो सूचना प्राप्त हुई है उसके हिसाब से थाना कछौना थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप के पास कुछ उपद्रवी लोग शराब पी करके हंगामा करने की सूचना मिल गई। सूचना पर कछौना पुलिस ने सूचना मिली तो उन्होंने तत्काल एक मोटरसाइकिल पे दो कॉन्स्टेबल्स महिपाल और कॉन्स्टेबल कौशेंद्र को रवाना किया गया। वहाँ जाकर के उन्होंने पूछताछ की तो जैसे ही वहाँ पहुँचे पूछताछ करते ही वहाँ पर बीच गाड़ी थी शिवरले की, उसमें सवार एक व्यक्ति ने इन पर फायर किया कौशेंद्र को, और एक बार में तीन चार बार फायर किया जिसमें दो गोलियाँ कौशेंद्र को लगी और एक उसके राइट चेस्ट पे लग करके बाजू से लगते हुए निकल गई, दूसरे बाएं हाथ पे लगी और उसकी सूचना पर तत्काल पुलिस एक्टिवेट हुई और हमने सर्च करके घेराबंदी शुरू की। कौशेंद्र को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया जहाँ वो खतरे के बाहर है। और जब वहाँ मौके पर थोड़ी दूर भगवाली थाना क्षेत्र में उस गाड़ी को चेस करके पकड़ा गया, उसमें से कुछ बदमाश निकल के भागे, उनमें से एक को पकड़ने में गोलियां चली जिसमें हमारे थानाध्यक्ष बगौली भी घायल हुए हैं और बदमाश को भी गोलियां लगी हैं। उनको भी सीएससी में तुरंत लाया गया है जहां उपचार करा के उनको अगर आवश्यकता हो ट्रॉमा सेंटर भेजा जाएगा और बाकी मुलजिमों की तलाश। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।